और सीधा बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। याचिका में गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अब आम आदमी पार्टी इस पूरे फैसले से नाराज नजर आ रही है, नाखुश नजर आ रही है और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। अभी थोड़ी देर पहले सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है ही नहीं। और दूसरी बड़ी खबर, हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने कहा है केजरीवाल का अहंकार चूर चूर हुआ। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा अरविंद केजरीवाल ने समन को बार बार ठुकराया। अरविंद केजरीवाल ने जमानत मांगी ही नहीं, कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया। आम आदमी पार्टी की क्रांति, केजरीवाल करप्शन क्रांति बन रही है। आम आदमी पार्टी का चेहरा और चरित्र उजागर हुआ। बीजेपी ने कहा कोर्ट के मामले में राजनीति करना ठीक नहीं है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है। यह सामान्य बात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, यह बात हम ऐसे नहीं कह रहे, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदु स्पष्ट कहा है, कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग द अरेस्ट इज इलीगल। क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है, यानी वो जमानत मांग ही नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। दूसरा विषय बहुत स्पष्ट मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। मेटीरियल कलेक्टेड बाय द ईडी रिवील्स दैट द केजरीवाल कंस्पायर्ड वॉज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ एक्साइज पॉलिसी। बार बार हम लोग कहते थे साक्ष्य जांच एजेंसियों ने दिए हैं और वो न्यायालय के समकक्ष हैं, ना हमारे पास है ना किसी अन्य के पास है, इसलिए उस पर बयानबाजी निरर्थक है। स्पष्ट रूप से कोर्ट कह रहा है कि जो साक्ष्य दिए गए उससे प्रतीत होता है कि वह नीति बनाने में बाकायदा कंस्पायर्ड द एक्साइज पॉलिसी, और फिर लिखा हुआ है वॉज इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द एक्साइज पॉलिसी एंड यूज द प्रोसीड ऑफ क्राइम, यानी वो नीति निर्धारण में मुख्य कर्ता धर्ता थे और उससे प्राप्त चीज को अवांछित आपराधिक चीजों में प्रयोग किया गया। He is also allegedly involved in the personal। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद राष्ट्र की बात के साथ लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज 24।